गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज गणेश चतुर्थी है तो मैं गणेश चतुर्थी का आज मैंने व्रत रखा है तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग किस किस के यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और मैं आज पूजा करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। पूजा की थाली लगा ली है मैंने और पूजा की सारी विधि व्यवस्था सब कुछ लगा लिया है। और मैं बना रही हूँ गुलगुले थोड़े से, आज बेसन नहीं है। और बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू गणपति जी को चढ़ते हैं, पर आज बेसन नहीं है तो कुछ तो मीठा बनाएंगे ना, कुछ तो चढ़ाएंगे। तो मैंने सोचा गुड़ रखा है तो थोड़े से गुलगुले निकाल लेते हैं। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं और जो आप जो भक्त जो है सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से उन्हें जो चढ़ाता है वो उसको पा लेते हैं। कोई शॉप भी नहीं खुली होगी इस समय, मिठाई की तो बिल्कुल भी नहीं खुली होगी। मुझे सुबह से याद ही नहीं रहा, मैं बेसन मंगा लेती तो थोड़े से दो चार ही लड्डू बना देती, पर मैं नहीं बना पाई, गलती हो गई। मैं भगवान जी से माफी मांग लूंगी। तो मैंने थोड़े से गुलगुले बना लिए हैं और भगवान की पूजा विधि लगा ली है सारी, तो करते हैं पूजा। आज गणेश चतुर्थी के व्रत के लिए मैंने पूजा की थाल सजा ली है। जो भी चीज़ें लगती हैं, फूल फल दूब पंचमृत जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में, मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। और यहाँ पर अब मैं गुलगुले की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें गुलगुले का घोल रखा है। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चौक पूर रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे बैठ के ही पूजा करूँगी। ऊपर खड़े खड़े कितनी देर तक पूजा करेंगे? तो हमारे यहाँ चौक पूर के ही पाटा रख के ही भगवान जी को बिठाते हैं। जब तक चौक नहीं पूरा जाता है तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। और मैं लखनऊ में भी थी तब वहाँ पे भी ऐसा ही होता था। जब से इंदौर आए हैं यहाँ पर रंगोली मांडी जाती है तो मैं भी रंगोली मांड सकती हूँ, लेकिन कलर पता नहीं कहाँ रखा गए हैं। जब से रूम शिफ्ट किया है तो मिल ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चौक से ही पूजा कर लेते हैं। और इसको जब पूजा हो जाती है तो इसको अचर्या देते हैं, यानी कि इसको समेट देते हैं। तो चौक मैं यहाँ पे पूर रही हूँ। और आपके पास कलर है या और भी चीज़ें हैं आप उनसे भी चौक पूर सकते हैं, उनमें भी कलर अलर कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो मेरे पास फ़िलहाल जो भी सामान अवेलेबल था तो मैं उसी से चौक बना देती हूँ, क्योंकि खड़े होके पूजा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कथा होगी, आरती होगी, कहानी होगी और भगवान का सब होगा तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा नीचे बैठ के ही पूजा कर लेते हैं। और इसमें आप अक्षत ज़रूर डालेंगे, उसी अक्षत से ही चौक को पूरा माना जाता है। जब तक अक्षत नहीं छोड़ेंगे तब तक चौक अधूरा ही माना जाता है। जब तक पूजा की तैयारी लग रही है, लगाई है मैंने, तो मैं अब साथ ही साथ थोड़े से गुलगुले भी सेक ले रही हूँ, क्योंकि पहले भगवान के लिए सेक लेंगे फिर बाकी बचे हुए तो सबके लिए सेकते ही रहेंगे। वैसे तो आज के दिन हम हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि हम मोदक का ही भोग लगाते थे, कभी बेसन के लड्डू मंगवा लेते थे, कभी बूंदी के और कभी मोदक भी मंगवा लेते थे। पर इस बार ऐसा हुआ कि कहीं शॉप नहीं खुली है और भगवान जी हमारे बिना लड्डू या मोदक के रह गए हैं। मैंने मीठे गुलगुले बना लिए थे, भगवान को सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से जो भी भोग लगाएंगे भगवान उसका पान करेंगे, उसको भगवान स्वीकारेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये गुलगुले सिक्के तैयार हो गए हैं और अब मैं सारी चीज़ें और मैंने व्यवस्था करके रख दी है पूजा पाठ की सारी। हमारे यहाँ हर पूजा में पूजा करने से पहले मावर जरूर लगाया जाता है। आपने अगर श्रृंगार किया है तो मावर भी जरूरी है। स्त्री के 16 श्रृंगार में एक मावर की भी बहुत मान्यता है और मुझे भी मावर लगाना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ मावर लगाने से पहले हल्दी लगाई जाती है पैरों में, उसके बाद फिर मावर लगाया जाता है। और लखनऊ में गोद में चावल भी लिए जाते हैं, उसके बाद फिर वो चावल नाइन को दे दिए जाते हैं। और नाइन ही मावर लगाने आती थी हमारे यहाँ, तो जो गेहूँ या चावल गोद में रहते थे हम लोग उनको दे देते थे। और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सभी पूजाओं में मावर लगा लेती हूँ। और ये सारी पूजा की तैयारी हो गई है तो अब हम लोग कर रहे हैं पूजा। सबसे पहले भगवान को जल अर्पण करके और उनको रोली अक्षत चावल सभी चीज़ें अर्पित कर रही हूँ। और जो भी चीज़ें रहती हैं उनको फूल फल मेवे मिष्ठान जो भी चीज़ें रहती हैं मैं सभी चीज़ें उनको अर्पण कर रही हूँ। वैसे तो भगवान को पूरी पूजा में धूप सबसे ज़्यादा पसंद है, तो धूप आप चढ़ा दीजिए तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे गजानन महाराज बहुत ही खुश हो जाएंगे आप पर। तो मैंने सारी पूजा विधि विधान से की है।
हल्दी, कंकु, अक्षत, चावल, फूल, फल सभी चीज़ें उनको अर्पण करी हैं। इसी के साथ साथ मैं ऊपर जो हमारे भगवान बैठे हुए हैं उनको भी सभी चीज़ें अर्पण कर रही हूँ। मैं महीने की सभी चतुर्थी का व्रत रखती हूँ और आज मैंने सोचा कि इस चतुर्थी के व्रत में मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे दहशत भरे माहौल में आप एक भक्तिमय वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर ये पूजा के बाद अब मैं कथा कह रही हूँ, तो आप सभी भी कथा का आनंद लीजिएगा। बेटी थी तो बेटी बोली, माँ हम तो मेला देखने जाएंगे, गणेश चौथ थी, गणेश चौथ का बड़ा सा पर्व था, तो बोले माँ हम तो मेला देखने जाएंगे। तो बहुत ज्यादा गरीब थी, हाँ तो सुनाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा गरीब थी, बहुत ज्यादा गरीब थी। तो वो बेटी कहे, माँ हम तो मेला देखने जाएंगे, गणेश जी के दर्शन करने जाएंगे। तो माँ कहे, बेटा कहाँ जाऊंगी ऐसी भीड़ भाड़ में, कहीं दब जाओ, कहीं को चल जाओ, बेटा कहाँ जाऊंगी। वो बेटी कहे, नहीं माँ, हमने गणेश चौथ का व्रत रखा है तो हम तो जरूर जाएंगे, मेला देखने जरूर जाएंगे, गणेश जी के दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो फिर हाँ, फिर माँ ने बोल दिया अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर माँ ने बोला अच्छा ठीक है बेटा जाओ। तो उन्होंने दो पैसे दे दिए बेटी को अपने, बोले एक पैसे चढ़ा देना और एक पैसे का तुम लड्डू ले लेना गणेश जी के लिए। तो वो बेटी बोली, हाँ माँ हम ऐसा करेंगे। तो फिर वो जब वो मेले में गई तो मेले में बहुत भीड़, बहुत भीड़, बहुत भीड़। उसने एक लड्डू ले लिया एक पैसे का, एक पैसा ले लिया हाथ में भगवान को चढ़ाने के लिए, गणेश जी को चढ़ाने के लिए। इतनी भीड़, इतनी भीड़ मंदिर में, इतनी भीड़ को जो कोई आए, जो कोई उसको धक्का दे के पीछे कर दे खुद आगे चले जाए, फिर जो कोई आए फिर उसको धक्का दे के पीछे कर दे फिर आगे चले जाए। तो वो मंदिर में दर्शन करने पहुंच ही ना पाए, गणेश जी के दर्शन करने ना पहुंच पाए। सुबह की गई, रात हो गई। जब पूरी भीड़ खत्म हो गई मंदिर की, तो फिर वो मंदिर के अंदर पहुंच गई। तो फिर गणेश जी को जैसे ही उसने लड्डू चढ़ाया, जैसे ही उसने एक पैसा चढ़ाया, आकाशवाणी हुई पीछे से, उन्होंने कहा गणेश जी बोले, मांगो बेटा हम तुमसे खुश हैं। तो उसने कही के मतलब कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, वो फिर से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। फिर गणेश जी ने बोला, मांगो बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो फिर वो इधर उधर देखने लगी, ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। तीसरी बार फिर गणेश जी ने आकाशवाणी करी, मांगो बेटा हम तुमसे खुश हैं, तुमसे प्रसन्न हैं। फिर वो समझ गई कि ये तो होए ना होए, ये तो हमारे गणपति बप्पा ही बोल रहे हैं। तो फिर वो बोले, अच्छा मांगो सो पाऊं। तो गणेश जी बोले, हाँ हाँ मांगो सो पाओ। तो बोले, राम कैसे बाल, कृष्ण कैसे भाई, ढोला पालकी पीनस बाजे बारात महल दुमहले, हमें सब कुछ चाहिए। तो फिर गणेश जी बोले कि अरे तुमने तो बहुत कुछ मांगा है, पर तुमको सब मिलेगा, जाओ। सो बस तुरंत भगवान की कृपा से उसके राम कैसे बाल हो गए, कृष्ण कैसे भाई हो गए, ढोला पालकी आपकी बारात हो गई, महल दुमहले बन गए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। तो फिर अब वो लड़की अपनी दुल्हन बनी और अपने घर जाने लगी। तो उसकी माँ सुबह से शाम तक हो गई देख, रास्ता देख रही थी, हमारी बेटी अभी तक नहीं आ पाई, हमारी बेटी अभी तक नहीं आ पाई मेला देख के। तो कोई कहे, हाँ गई तो थी मेला में, कहीं दब गई होगी, कुचल गई होगी, मर गई होगी। और कोई कहे, देखो वो चली आ रही तुम्हारी बेटी बारात लेके, डोली पालकी से बारात लेके चली आ रही तुम्हारी बेटी। तो अब वो समझ में ना आए, उसकी बहुत बड़ी बारात लेके आ रही, राम कैसे बर, लक्ष्मण कैसे भाई, ढोला पालकी पीनस बाजे सब कोई चले आ रहे। तो उसने जल्दी से, माँ ने अपनी बेटी को अंदर लिया जल्दी से, गणेश चौथ का तो थी उस दिन, तो जल्दी से उसने अपनी बेटी को लिया, दामाद को लिया, अपने बेटे को लिया, सबको अंदर लिया, पूजा पाठ करी। जैसे गणपति बप्पा ने उनकी मनोकामना पूरी करी, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, हे राम माता जाति पार गति पिता महादेवा, एक दंत दया वंश चार भुजा धारी, माथे पर तिलक सोहे मुसे की सवारी, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश, जय गणेश, देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा, अन्नन को आंख दे त्रिकोण को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश, जय गणेश,
जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज राखो शंभु ससुरारी कामना को पूरा कर जाए बलिहारी जय गणेश देवा सिद्धिपति सिद्धिपति जय गणेश देवा वो सच्चे दरबार की जय धर्म के अवतार की जय रेद्रा सरकार की जय कोतवाल कप्तान की जय भैरव बाबा की जय पहाड़ वाले बाबा की जय भक्तों की रक्षा करने वाले की जय दुष्टों का नाश करने वाले की जय अंबे मैया की जय गौरी मैया की जय लक्ष्मी मैया की जय दुर्गे मैया की जय वैष्णो मैया की जय राधा रानी की जय सीता मैया की जय गौ माता की जय तुलसी माता की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भोले बाबा की जय बालाजी महाराज की जय वो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो अधर्म का धर्म हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो सच्चे दरबार की जय हो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार मैंने गणेश चतुर्थी की पूजा की और आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया। आप इस वीडियो को मैंने सकारात्मकता के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। ऐसे जिस प्रकार हमारा देश इतने कठिन दौर से गुजर रहा है, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम इस कठिन परिस्थितियों से बुरे दौर से जरूर बाहर निकलेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान यहाँ पर हैं, सच में उनकी शक्ति है। तो फिर आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझ पर अपने स्नेह और प्यार का रिश्ता ऐसे ही बनाए रखें। और प्लीज़ दोस्तों, मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। हम सरकार के लिए एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए हम सब कुछ हैं। हमें जीवित रहना है, अपने परिवार को जीवित रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है दोस्तों। तो प्लीज़ दुखी मत हो, पैनिक मत हो, अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।